उर्फी जावेद इन दिनों छाई हुई हैं। अपनी सीरीज फॉलो कर लो यार की वजह से हर जगह उनकी वाहवाही हो रही है। क्रिटिक्स से लेकर सेलेब्स तक सभी उर्फी की सीरीज की तारीफ कर रहे हैं। इस सीरीज के जरिए दर्शकों को उर्फी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कई अनसुने किस्सों के बारे में पता चलेगा। अब हाल ही में सीरीज का प्रमोशन करते वक्त उर्फी ने अपने पिता के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता उन्हें अब्यूज़ करते थे। बात करते हुए उर्फी ने बताया कि जब वो मुंबई आई थी तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को सुधार लिया। जब उनसे पूछा गया कि बचपन में उनसे पेरेंट्स ने उन पर हाथ उठाया है, तो उर्फी ने कहा, मेरे पिता बहुत अब्यूजिव थे, उन्होंने बहुत गुस्सा किया था और उन्होंने बस मार दिया, मम्मी को, हमें भी, सबको बहुत मारा। उर्फी ने आगे कहा कि ऐसे कई बार होता था कि मेरे पापा कहते थे कि 3 बेटियां हैं, अभी चौथा बेटा नहीं हुआ तो तलाक दे दूंगा। मेरी माँ उस समय प्रेग्नेंट थी और लड़का हो गया था, काश नहीं होता तो पहले ही तलाक हो जाता, हम सब बच जाते। उर्फी ने यह भी बताया कि कैसे उन्हें घर की छत तक पर जाने से मना किया जाता था, मेहमानों के सामने उर्फी को गाली दे दी जाती थी। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि सबके सामने गाली दे देते थे और कहते थे बूब्स दिख रहे हैं, सभी के सामने हमें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। उर्फी का कहना है कि उनका बचपन काफ़ी ख़राब रहा और कई बार इसी वजह से वो राज को छिपाकर घर में चली जाती थी और दोस्तों के साथ इंजॉय करती थी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।